हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दुनिया भर में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत की लड़ाई यहीं लड़ी गई थी। मान्यता तो ये भी है कि शहर के राधा कृष्ण मिलन मंदिर में खड़ा तमाल का पेड़ वो जगह है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद राधा और भगवान कृष्ण मिले थे। ये जो तमाल का पेड़ है, ये राधा जहाँ पे है, ये राधा कृष्ण का मिलन स्थल है और यहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन हुआ था सूर्योग्रहण का अवसर पर। जब महाभारत का युद्ध हो गया था, महाभारत समाप्त हुआ था, तब कृष्ण से मिलने के लिए राधा रानी और समस्त गोपीगण आए थे। और ये वो स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ पे राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था। तमाल के इस पेड़ की शाखाएं जैसे जैसे ऊपर बढ़ती हैं, वे एक दूसरे से लिपट जाती हैं। भक्तों का मानना है कि ये पेड़ राधा और भगवान कृष्ण के अनंत प्रेम का प्रतीक है। ये तमाल का वृक्ष के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर राधा रानी वृंदावन से यहाँ चलकर कृष्ण जी को मिलने आई, तो इस पेड़ के नीचे दोनों का मिलन हुआ था। और ये तमाल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो यहाँ पर वो सिर्फ निधि वन में पाया जाता है। इसकी शाखाएं ऐसी हैं जैसे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला कर रहे हों। इस वृक्ष की बड़ी मान्यता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में इकट्ठा होते हैं।